नवभारती डीटी कॉलेज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा विषय ज्ञान। विषय ज्ञान यानी विषय से संबंधित। विषय ज्ञान का अर्थ होता है विषय से संबंधित। विषय से संबंधित। दूसरा हम इसको एक दूसरे नाम से जानेंगे, जैसे कि हम इसकी एक सब्जेक्ट है संकाय, विषय की संकाय यानी विषय से संबंधित, लेकिन उसका नाम हमने डिसिप्लिनर नाम रखा है अनुशासित ज्ञान। अनुशासित ज्ञान, अनुशासित ज्ञान, अनुशासित, जैसा कि हमारा नाम से इससे संबंधित है कि इससे नाम से क्या संबंध है, इसका अनुशासन यानी कि अनुशासन में रहना। और अनुशासन में हम कब रह सकते हैं, जब हम नियम सिद्धांत के अंदर रहते हैं तो वो हमारा अनुशासन कहलाता है। तो इसमें बताया गया है कि अनुशासित ज्ञान वह ज्ञान होता है या विषय ज्ञान वो ज्ञान होता है जिसमें कि हम नियम सिद्धांत नियम के अंतर्गत रहते हुए हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं, जिस विषय का विशेषज्ञ बन जाते हैं, वह हमारा विषय ज्ञान कहलाता है। सिंपल भाषा में हम देखें तो विषय विषय का पूर्ण ज्ञाता या विषय विषय का ज्ञाता विषय विशेषज्ञ, विषय विशेषज्ञ विशेषज्ञ कहलाता है। विषय विशेषज्ञ कहलाता है, अर्थात हमारा इसमें है कि अनुशासित का अर्थ है कि जो हमने इसका अनुशासित ज्ञान का नाम दिया है कि जो हमारे नियम और सिद्धांत में बंधा होता है एक विशेष व्यक्ति। कहते हैं कि हम जो व्यक्ति है वो जैसे कि अगर विषय से संबंधित है, विषय से संबंधित है, कहते हैं जब हम किसी विद्यालय में या महाविद्यालय में हम पढ़ाते हैं या विषय से संबंधित होते हैं तो कहते हैं कि उस चीज का हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि हम उस विषय के बारे में क्या पढ़ाना चाहते हैं, अर्थात हमारा उस ज्ञान के उस विषय के बारे में हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ये नियम और सिद्धांत हमारे हमें अनुशासन में बंधे हुए रहने के लिए इसका अनुशासन नाम दिया कि जिस नियम से हम बंधे हुए रहते हैं कि हमारा ये विषय है, हमें इसे इतना पढ़ाना है, हमें इतना करना, तो इसका एक नाम दिया गया, इसीलिए इसे अनुशासित ज्ञान भी कहते हैं। विषय ज्ञान को हम अनुशासित ज्ञान भी कहते हैं। ये कहा जाता है कि ये जो विषय ज्ञान है, विषय ज्ञान की प्रकृति होती है यानी कि नेचर, विषय ज्ञान की प्रकृति है हमारा इसमें कि सबसे पहला विषय ज्ञान का होगा यानी कि अध्ययन संबंधी, अध्ययन का ज्ञान, विषय ज्ञान सबसे पहला होगा अध्ययन ज्ञान। सेकंड है विषय अध्ययन। थर्ड है ज्ञान। ये हमारी प्रकृति है। हम देखें अध्ययन, अध्ययन में हम क्या करेंगे, इस अध्ययन में कहा गया है कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना अध्ययन कहलाता है। अर्थात जब शिक्षक या कहते हैं विषय विशेषज्ञ जब पढ़ाना की पढ़ाने रूपरेखा तैयार करते हैं तो रूपरेखा तैयार करने से पहले वो अध्ययन करते हैं, और अध्ययन कहाँ करते हैं, वो बालक के व्यवहार में। वो ये सोचते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं कि क्या बच्चे के बालक के व्यवहार में क्या परिवर्तन होने वाला है, या हम पढ़ा रहे हैं उसका परिवर्तन होना चाहिए। अर्थात फर्स्ट जो प्रकृति है, अगर हम कहें तो फर्स्ट तरीका जो हमारा पढ़ाने का विषय विशेषज्ञ अपनी जो लेके चलते हैं टारगेट, वो सबसे पहला का अध्ययन ज्ञान। और अध्ययन ज्ञान हम जब भी संभव है हमारा, या कहते हैं कि अध्ययन ज्ञान हमारा तभी सक्सेस है जब हम बालक के व्यवहार में परिवर्तन ला सके, क्योंकि उसे उस अध्ययन क्षेत्र में हमें लाना है कि बच्चा बैठ के पढ़े, यानी कि हमें वो वातावरण देना है। सबसे पहले वातावरण प्रदान करेंगे, जब वातावरण प्रदान करेंगे तो बच्चे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे। सिंपल हम देखें कि एक खेल कूद का मैदान होता है, खेल कूद के मैदान में अगर हम किसी बालक को ले जाकर खड़ा करते हैं तो बालक की मनोवृत्ति और
कक्षा में बिठाते हैं तो संपूर्ण हम खुद जान जाते हैं कि हमारा जो मन करेगा, जो हमारा व्यवहार करेगा वो पढ़ाई से संबंधित करेगा। तो फर्स्ट प्रकृति हो गई इसकी अध्ययन यानी बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना। सेकंड है हमारा विषय अध्ययन संबंधी, यानी कि यहाँ हम क्या करेंगे, हमारे विषय से संबंधित हम पढ़ाएंगे यानी कि अध्ययन करवाएंगे, हम अध्ययन करवाएंगे यानी कि जो हम विषय पढ़ा रहे हैं बच्चों को उसका अध्ययन यानी कि विषय अध्ययन, विषय का अध्ययन, विषय का अध्ययन, विषय से संबंधित हम अध्ययन करवाएंगे। और ज्ञान क्या होगा हमारा, ज्ञान जो हम संपूर्ण रूप से उसको पूरा व्यवहारिक सामाजिक, हम कहते हैं कि महाविद्यालय में भी हम थोड़ा उन्हें व्यवहारिक ज्ञान देते हैं, तो हम यहाँ पर विषय व्यवहारिक और कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारा यहाँ पर व्यवहारिक ज्ञान क्या हो जाएगा कि बच्चों को जो हम यहाँ की एक्टिविटीज करवाते हैं वो पूरी यानी कि अध्ययन के साथ साथ हम कहते हैं कि पढ़ने के साथ साथ हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में भी बच्चों को यहाँ पर ज्ञान करवाते हैं, ज्ञान करवाते हैं। तो ये क्या हो गया हमारी, इसकी तीन प्रकृति हो गई। मैंने बताया कि विषय ज्ञान क्या होता है, विषय से संबंधित, इसे हम अनुशासित ज्ञान भी कहते हैं यानी कि अनुशासन के अंदर रहते हुए ज्ञान प्राप्त करना। अनुशासित यानी नियम और सिद्धांत में रहकर हम किसी चीज का ज्ञान करते हैं। एक चीज कही गई है कि अनुशासित ज्ञान क्यों आवश्यक है, अनुशासित ज्ञान से ही हम कहते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास होता है, सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है, क्योंकि जब बच्चा नियम में रहेगा, कहते हैं कि हम अगर घर पर रहते हैं तो हम आजाद रहते हैं, हम किसी चीज का परवाह नहीं करते, लेकिन अगर हम विद्यालय में आते हैं पढ़ते हैं तो हम अपने सर्वांगीण, इसमें कहते हैं कि हमारे ये सर्वांगीण विकास होता है यानी कि हम नियम सिद्धांत परंपराओं इन सभी में हम बंधे हुए रहते हैं और इसमें बंधे हुए रहते हुए हम उस चीज का अध्ययन करते हैं। तो अनुशासित ज्ञान से बालक का सर्वांगीण विकास होता है। अब मैंने आपको इसका नेचर बताया था कि विषय प्रकृति क्या होती है, इसमें विषय ज्ञान की कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अध्ययन ज्ञान जिसमें बालक के व्यवहार में हम परिवर्तन करते हैं, और सेकंड है हमारा विषय अध्ययन यानी कि अध्ययन जो हम करवाते हैं किससे संबंधित, विषय से संबंधित जो हम अध्ययन करवाते हैं। थर्ड है हमारा ज्ञान यानी कि हमारी जो नॉलेज होती है, अब हम कहते हैं कि हम यहाँ नॉलेज व्यवहारिक नॉलेज भी देते हैं बच्चों को, अगर व्यवहारिक नॉलेज हम विद्यालय से संबंधित दें तो पाठ्य सहगामी सबसे अच्छा हमारा जो होता है उनका व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए, तो हमारी होती है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। इनके माध्यम से हम जो क्रियाएं करवाते हैं बच्चों के अंदर, उनके अंदर हम उस चीज की डेवलपमेंट करते हैं कि बच्चे उस चीज के प्रति जागरूक हो। हम जो सांस्कृतिक प्रोग्राम करवाते हैं, हम जो कल्चर प्रोग्राम यहाँ करवाते हैं, हम कैंप लगवाते हैं, या फिर हम कहें कि हमारे जो राष्ट्रीय पर्व हम मनाते हैं, ये सारे जो पर्व हम मनाते हैं ये हमारे व्यवहारिक ज्ञान की निशानी कि हम बच्चों को देश से भी जोड़ते हैं, विद्यालय से भी जोड़ते हैं, समाज से भी जोड़ते हैं। तो ये है हमारा इस ज्ञान की तीनों प्रकृति। अब है हमारे इसमें जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारे ज्ञान की इसमें विषय ज्ञान की परिभाषा। विषय ज्ञान की परिभाषा जो मैंने अभी आपको बताई कि जो अनुशासित ज्ञान है ये विषय से संबंधित होता है, विषय होता है। एक चीज इसमें कहा गया है कि जो हमारा विषय ज्ञान है वो हमारा अमूर्त रूप होता है। अब अमूर्त रूप में यानी कि इसमें होता क्या है, विषय ज्ञान में हमारी अवधारणा अर्थात अवधारणा कहते हैं, ज्ञान क्या है इसमें हमारा विषय, हमारी अवधारणा, अवधारणा मतलब हमारे विचार, अवधारणा होती है यहाँ पर हमारे विचार। इसमें कहते हैं कि अमूर्त विचारों का या जो उपस्थित होते हैं यानी कि जो विचार हमारे उपस्थित होते हैं उनके परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। क्या होता है ये विचार, अमूर्त विचार जो होते हैं वो हम जो परिवर्तन होता है ना हमारे व्यवहार में उन
नियमों नियमों सिद्धांतों नियमों सिद्धांतों एवं परंपराओं से है जो कि शिक्षा के माध्यम से सामाजिक राजनीतिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाओं से सहसंबंध व अंतःअनुशासन स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है अर्थात मैंने कहा था पहले कि जो हमारा अनुशासित ज्ञान है वो हमारे एक नियम में हमारे सिद्धांत में बंधा होता है। तो इसमें दुबे जी ने उसी परिभाषा उसी शब्द को चरितार्थ करते हुए कहा है कि अनुशासित ज्ञान का आशय उन नियमों सिद्धांतों और परंपराओं से है जो कि शिक्षा के माध्यम से सामाजिक राजनीतिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाओं से सहसंबंध व अंतः अनुशासन स्थापित करने में सहायता प्रदान करते हैं। ये होता है हमारा क्या है हमारी ये परिभाषा है इसकी परिभाषा हमारे विषय ज्ञान की। यानी कि इन्होंने कहा है कि इन्होंने माना था या कहते हैं कि विषय ज्ञान को हम एक तरीके से हमारी अवधारणा हमारा विचार मानते हैं यानी कि ये हमारे दिमाग का आइडिया होता है। कहते हैं ना कि विषय ज्ञान के लिए कि जब हम पढ़ाते हैं तो प्रत्येक शिक्षक को हमारे विषय का ज्ञाता होना चाहिए। अगर सिंपल भाषा में कहें यहाँ पर विषय को हम लें तो जिससे संबंधित आज हम यहाँ बीएड से संबंधित है तो यहाँ के शिक्षक को हमारे एक विषय से नहीं बल्कि बीएड के पाठ्यक्रम में चलने वाली विभिन्न विषयों का ज्ञान होना चाहिए। होने वाली एक्टिविटीजों का यहाँ के नियम का यहाँ के सिद्धांतों का इन सब चीजों का हमें पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए तभी हम एक यहाँ के जो कहते हैं कि बीएड में हम विषय विशेषज्ञ कहलाएं क्योंकि हमें अपनी विषय के साथ साथ हमें अन्य विषयों का भी यहाँ पर जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आखिरकार इसमें क्या चीजें हैं। इसी के आधार पर जो मैंने आपको प्रकृति बताई कि विषय ज्ञान की प्रकृति तीन चीजों पर आधारित थी। पहला था हमारा सबसे फर्स्ट जो था हमारा यानी कि विषय ज्ञान यानी अध्ययन से संबंधित यानी कि जो भी हम करते हैं बच्चे का जो भी व्यवहार में परिवर्तन होता है वो उस अध्ययन के माध्यम से होता है। यानी कि फर्स्ट जो शिक्षक का टारगेट होता है वो होता है बच्चे के हम कहते हैं ना अधिगम करवाते हैं। अधिगम का अधिगम होता क्या है सिखाना और अधिगम का जो सबसे मेन उद्देश्य होता है वो होता है बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो हम जो अधिगम करवाते हैं जो हम सिखाना चाहते हैं वो हम किसके माध्यम से सिखाएंगे हम कि हमारा तरीका क्या है। हम कहते हैं कि काफी इंटेलिजेंट जब हमको एक्सपीरियंस अगर यहाँ पर हम देखें ना सिखाने में व्यवहार में परिवर्तन तो हमारा अनुभव काम आता है कि हम किस तरीके से उस अनुभव के द्वारा बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। जितना हमें अनुभव होगा कहते हैं कि हम कब विषय विशेषज्ञ होंगे जब हम उस चीज की जानकारी पूर्ण प्राप्त करते चले जाएंगे। तो पूर्ण प्राप्त हम कब करेंगे जब हम उससे संबंधित रहेंगे। तो इसमें फर्स्ट प्रकृति थी कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना। सेकंड था हमारा विषय अध्ययन कि हमें बच्चों को उसी विषय के बारे में अध्ययन किस तरीके से करवाना है बच्चों को पढ़ाना कैसे है विषय अध्ययन यानी कि अध्ययन करवाना विषय का अध्ययन। और थर्ड था हमारा ज्ञान जिसमें कहा जाए तो ऑल ओवर हम जो भी महाविद्यालय में करते हैं चाहे वो हमारी पाठ्यसामग्री क्रिया हो या हमारी बीएड से संबंधित क्रियाएं हो या कहते हैं जिस पाठ्यक्रम से जिस एक्टिविटी से जिस कक्षा से जो भी चीजें संबंधित होती हैं वो संपूर्ण जानकारी हमारे ज्ञान में आती है। ये हमारे
ज्ञान की विशेषता कि विषय ज्ञान की विशेषता क्या होती है। विषय ज्ञान की कहते हैं सिंपल में, मैं आपको विषय ज्ञान की विशेषताएं एक बार मैं ओरली बताना चाह रही हूँ। विषय कहते हैं कि विशेषता क्या होती है विषय ज्ञान की, तो कहते हैं विषय ज्ञान की जो फर्स्ट है हम कहें कि ये अनुशासित विषय ज्ञान विशेषताएं हैं इसकी। विशेषताएं विषय ज्ञान या अनुशासित ज्ञान, विषय ज्ञान एक व्यापक प्रक्रिया है। कहते हैं जब हमने शुरू में देखा कि इसकी प्रकृति तीन बिंदुओं पर आधारित है, हम जिस तरीके से विषय ज्ञान करवा रहे हैं यानी कि तीनों के आधार पर, यानी कि हमारे तीन व्यापक हुई ना उसकी कि तीन का टारगेट लेके चल रहे हैं। पहला हमें बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाने से पहले हमारा उद्देश्य है कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन कैसा हो, कैसे होगा, यानी कि हमें साइकोलॉजी का उसको जानना है कि बच्चे की मानसिक योग्यता क्या है। या हम कहें कि ऑलओवर सारे बच्चों को, जहां हम एक बच्चे का टारगेट लेके नहीं चलते हैं, यहां की प्रक्रिया हमारी व्यापक होती है क्योंकि हमें यहां पर तीनों तरह के जो भी हमारे बच्चे हैं, यानी कि हमारे इंटेलिजेंट भी, मीडियम भी और वीक बच्चे भी, हमें तीनों को सोच के काम करना है कि हाँ ऑल ओवर हमारी कक्षा में ये सभी कैटेगरीज के बच्चे होंगे। तो ये हमारे लिए जटिल प्रक्रिया होती है, ये व्यापक यानी कि बड़ी प्रक्रिया होती है कि हमें अब इस तरह से इसमें काम किस तरीके से करना है कि व्यापक प्रक्रिया जो है कि हमें तीनों तरीके को हमको ऐसा पढ़ाना है कि तीनों तरह जो तीन कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं उन तीनों को आसानी से समझ में आए। यहाँ तक कि यानी ये शिक्षक का उद्देश्य होता है, शिक्षक का उद्देश्य होता है कि वो जो पढ़ा रहा है बच्चों को या फिर वो जो देना जो ज्ञान देना चाहता है वो उसमें बच्चों से एक्सेप्ट करता है कि वो उन्हें 100% दे। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर शिक्षक की कोशिश होती है कि जो भी कार्य करें हम वो एक अच्छा कार्य जिससे कि उनका रिजल्ट कहते हैं कि उनके जो भी उनके पॉजिटिव उनका परिणाम जो आता है वो पॉजिटिवली आए। तो इसीलिए कहा जाता है कि विषय ज्ञान एक व्यापक प्रक्रिया होती है कि हमें किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, किस तरीके से हमें उनको समझाना है। कहते हैं विषय ज्ञान सेकंड इसीलिए कहा जाता है कि जब फर्स्ट हम पहले सबसे पहले बच्चों की साइकोलॉजिकल जानते हैं कि बच्चे किस तरीके से पढ़ सकते हैं, अर्थात हमारा सबसे पहला चीज होती है कि हम उनके व्यवहार में परिवर्तन किस तरीके से लाएं, हम उन्हें के दिमाग में ऐसा क्या बिठाएं कि बच्चे यहाँ पर पढ़ने वाली अवस्था में आए, यानी कि उनका जो हम कहते हैं परिवार से आते हैं, हम बाहर से आते हैं, तो हमें सबसे पहला एटमॉस्फेयर तैयार करना होता है कि बच्चे को तैयार करें कि बच्चा उस चीज़ को पढ़े या कहते हैं उस वातावरण में आए, पढ़ने वाले वातावरण में आए। सेकंड जो उसकी प्रकृति थी कि जब हमने व्यवहार में परिवर्तन करना चाहा तो अब हम व्यवहार में परिवर्तन कब करेंगे, जब हम उसे हमारे विषय के बारे में अध्ययन करवाएंगे, अर्थात अध्ययन के विषय अध्ययन के बारे में हम उनको अध्ययन करवाएंगे, अध्ययन के लिए हम उनको अध्ययन करवाएंगे, यानी कि विषय से संबंधित हम अध्ययन करवाएंगे। थर्ड हमारा होता है उनका ज्ञान कि हम पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को, व्यवहार में परिवर्तन भी ला रहे हैं, लेकिन हमें बच्चों को और अदर चीज से भी तो जोड़ना होता है, समाज से भी जोड़ना होता है, उनके व्यवहार में परिवर्तन व्यवहारिक ज्ञान भी देना होता है कि आखिरकार वो यहाँ रहते हुए महाविद्यालय में शिक्षक के साथ अपने सहपाठियों के साथ या हमारे कहते समाज में बाहर जाकर उन्हें किस तरीके से व्यवहार करना है। तो कहते हैं कि ये व्यापक और जटिल प्रक्रिया है हमारे विषय ज्ञान की, यह एक व्यापक प्रक्रिया है। अब सेकंड देखिए हमें ये इसकी कि ये एक संश्लेषण प्रक्रिया है, संश्लेषण प्रक्रिया है। यहाँ आप तीन प्रकृति को अलग अलग देख रहे हो, लेकिन हम जब ये करवाने चाह रहे हैं विषय ज्ञान हम करवाना चाह रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर संश्लेषण है कि इन तीनों को हमने एक साथ जोड़ दिया। हम देखते हैं कई बार हम यूनिट वाइज जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को कि फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट है, लेकिन हम जब उनका ऑल एग्जाम लेते हैं तो हम क्या करते हैं उस सारी यूनिटों को मिला देते हैं, यानी कि जब तक हमने अलग अलग करवाया वो विश्लेषण प्रक्रिया में चल रहा है, लेकिन जब हम उनको एग्जाम तैयार कर रहे हैं या हम कहें कि अब हम आपको जो भी पढ़ा चुके हैं उनका प्लान करना जो संश्लेषण यानी कि हमने पूरा कवर कर दिया। तो इसी व्यापक प्रक्रिया में जो मैंने तीनों प्रकृतियां आपको बताई, अगर हम विश्लेषण प्रक्रिया करने बैठे तो हम तीनों को अलग अलग छाड़ देंगे, लेकिन कहते हैं कि विषय ज्ञान में संश्लेषण प्रक्रिया के अर्थात हमको उन तीनों की प्रकृतियों को निश्चित करना है कि हमें किस तरीके से उनका कार्य
करना है, तो ये हमारे संश्लेषण प्रक्रिया में आता है। थर्ड देखें हम, इसकी थर्ड है हमारे मस्तिष्क में विचारों का आदान प्रदान होना, या कहें तो हम हमारे विचारों का मस्तिष्क में उत्पन्न होना, कि जब हम विषय विशेषज्ञ होगा तो वो उस चीज के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहेगा, या कहें तो हम दूसरों से भी इस चीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि उनके मस्तिष्क में उनके विचारों का आदान प्रदान होता रहता है कि किस तरीके से उन्हें पढ़ाना है, किस तरीके से उन्हें उस चीज को, कहते हैं कि एक तरीके से हम जब जिस चीज का जन्म अर्थात उसकी स्टार्टिंग हमें किस तरीके से करना है, ये हमारे विचार में उत्पन्न होता है कि आखिरकार हम जो पढ़ा रहे हैं उसकी उत्पत्ति, उसका जन्म हम किस तरीके से करें, या कहें कि हम उसकी स्टार्टिंग कहाँ से करें, यह आता है इसमें। थर्ड देखें कि हमारे विचारों को, कि जो हमारे ये विचार होते हैं, विषय ज्ञान विचारों को गति प्रदान करता है, यानी कि अब हमने जब यहाँ पर मस्तिष्क के विचारों का जब हमने आदान प्रदान शुरू किया, अर्थात एक तरह से हमने उसकी उपस्थिति देखी या उसका जन्म किया, तो जब जन्म हमने लिया है तो हम उसे गति प्रदान करेंगे, अर्थात हम उसे आगे किस तरीके से बढ़ाना है, हमें इसके लिए हमारी रूपरेखा बनानी होती है कि हमें इस कार्य को आगे किस तरीके से करना है। ये है हमारे विषय ज्ञान की विशेषताएं, लेकिन ये अभी हमारे विषय ज्ञान की विशेषताएं कंप्लीट नहीं हुई है, इसीलिए मैं विषय ज्ञान की जो हमारी विशेषताएं हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दोबारा बताऊंगी।